परिवार वालों का ये शोर, ये दुख बिल्कुल जायज है। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके 12 साल के बच्चे की तबीयत ठीक करने के नाम पर जो इंजेक्शन लग रहा है वो आखिरी है। दरअसल ये मामला बलिया के मनियर थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक प्राइवेट डॉक्टर ने 12 साल के बच्चे को एक ऐसा इंजेक्शन लगाया कि उसकी मौत हो गई। 5 नवम्बर को मनियर थाना क्षेत्र के 12 साल के अंश की तबीयत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि तबीयत खराब होने के बाद रात में अंश के माता पिता अंश को लेकर एक प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर फिरोज के पास इलाज के लिए पहुंचे। आरोप है कि डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया जिसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगा। अंश की ऐसी हालत को देख माता पिता अंश को लेकर सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर क्या था, पूरे इलाके में गम का माहौल छा गया। अंश के माता पिता फौरन उस डॉक्टर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट कराने के लिए भागे, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए अगले ही दिन उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार झा का कहना है कि अंश को सर्दी जुखाम हो रहा था, उसे लेकर परिवार वाले कस्बे में ही फिरोज की दवा की दुकान पर लेकर आए, जहां फिरोज द्वारा दवा दिया गया और एक इंजेक्शन लगाया गया। उसके बाद बच्चे की तबीयत अचानक और खराब हो गई। सरकारी अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि जांच से यह पता चला है कि फिरोज को सिर्फ दवा बेचने का लाइसेंस मिला हुआ है, उसे इंजेक्शन लगाने का कोई अधिकार नहीं था। जनपद बलिया के थाना मनियर पर दिनांक 5 नवंबर को आवेदिका के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके बेटे की तबीयत खराब थी, उसे सर्दी जुकाम हो रहा था, उसे लेकर के कस्बे में ही फिरोज की दवा की दुकान है वहाँ आई, जहाँ पर फिरोज के द्वारा उसे दवा दिया गया तथा एक इंजेक्शन लगाया गया। उसके बाद बच्चे की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई, जिस पर वह बच्चे को लेकर के मनियर कस्बे में स्थित सरकारी अस्पताल आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस एप्लीकेशन पर तत्काल थाना मनियर में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा बच्चे का पीएम कराया गया। जांच से यह पता चला कि फिरोज की सिर्फ दवा की लाइसेंस मिला हुआ है, बेचने का लाइसेंस है, उसे इंजेक्शन लगाने का कोई अधिकार नहीं था, और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उसे तत्काल गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा गया है। विवेचना प्रचलित है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बलिया से अनिल गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।